के बाराबंकी में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सरकार पर कुंभ मेले में पैसा बर्बाद करना और राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा है। मंत्री राजभर ने कहा है कि कुंभ मेले की तैयारी पर सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। पिछली सरकार ने 900 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए खर्च किए। मंत्री जी ने अपनी सरकार से नाराजगी दिखाते हुए कहा कि 24 फरवरी को सम्मेलन कर लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। भगवान राम को तिरपाल में किसने उड़ाया? अपना तो बीजेपी वाले हवाई जहाज, एसी बंगले और बेहतरीन बंगला बनवा कर रहते। अगर भाजपा को श्रद्धा है तो कोर्ट से या आपसी सहमति से क्यों नहीं मंदिर बनवाते? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये बात आज बाराबंकी की जैदपुर विधानसभा में पार्टी सम्मेलन के दौरान कही। आइए सुनते हैं मंत्री जी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। 2014 में हमने देखा कि 38 दलों को मिला करके केंद्र में सरकार बनी, तो ये देश पूरा गठबंधन से जूझ रहा है। किसी भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों से गठजोड़ कर रहे हैं, तो उसी में ये भी गठजोड़ हुआ है और गठजोड़ हुआ है, ताकत है, उसका मुकाबला करने के लिए हथियार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 27% आरक्षण में बंटवारा कर दे तो 38% अकेले वोटर अति पिछड़ों का है। 80 लोकसभा सीट पर 5 लाख से लेके 8 लाख तक अकेले वोट अति पिछड़ों का है। यही वोट सपा के साथ जाता है, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है, जिसका साथ छोड़ता उसकी सरकार चली जाती है। ला करके 48 घंटे में पास किया, हम साल भर से चिल्ला रहे हैं आप ये अति पिछड़ों का जो हिस्सा है, पिछड़ों में जो गरीब है उनका क्यों नहीं बंटवारा करते हैं। हमारा लड़ाई इस बात का है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के साथ अन्याय करना चाहती है। ये न्याय करना चाहती, सबका साथ सबका विकास की बात अगर है तो ये अति पिछड़ों की जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिटायर्ड जज ने, राघवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दिया है, चार लोगों की कमेटी बनी थी, इसको लागू करने में इनको क्या दिक्कत है? पूरा ध्यान कुंभ में लगा दिया, मंदिर बनवाने में लगाए हुए हैं, तो इस पे इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इस बात को लेकर के हम नाराज हैं। पूरी नहीं हुई तो क्या लोकसभा में विरोध करेंगे आप? विरोध नहीं, 24 फरवरी को बनारस में हमने एक अपना पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं को जुटाऊंगा, 24 को डेट तय कर दिया हूं और उसी दिन एलान करूंगा, 25 तारीख को 80 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। ला करके 48 घंटे में पास किया, हम साल भर से चिल्ला रहे हैं आप ये अति पिछड़ों का जो हिस्सा है, पिछड़ों में जो गरीब है उनका क्यों नहीं बंटवारा करते हैं। हमारा लड़ाई इस बात का है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के साथ अन्याय करना चाहती है। ये न्याय करना चाहती, सबका साथ सबका विकास की बात अगर है तो ये अति पिछड़ों की जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिटायर्ड जज ने, राघवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दिया है, चार लोगों की कमेटी बनी थी, इसको लागू करने में इनको क्या दिक्कत है? पूरा ध्यान कुंभ में लगा दिया, मंदिर बनवाने में लगाए हुए हैं, तो इस पे इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इस बात को लेकर के हम नाराज हैं। पूरी नहीं हुई तो क्या लोकसभा में विरोध करेंगे आप? विरोध नहीं, 24 फरवरी को बनारस में हमने एक अपना पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं को जुटाऊंगा, 24 को डेट तय कर दिया हूं और उसी दिन ऐलान करूंगा, 25 तारीख को 80 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर क्या आप जांच कराएंगे उसकी? देखिए, जांच कराने से क्या निकलता, कुछ मिलता है, कुछ मिलेगा। जितनी भी जांच अगर हो गई तो समझ लो रद्दी की टोकरी में चली गई, उसे कुछ नहीं निकलता है जांच से। बाराबंकी से एबीएन समाचार के लिए शैलेंद्र के साथ मोहम्मद वासिक व उमेश की रिपोर्ट।